नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ रुचा सिंह। महाराष्ट्र में फतह हासिल करने के लिए बीजेपी ने इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनाव प्रचार की कमान सौंपी है, जहां योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को महाराष्ट्र में 3 जनसभाएं संबोधित की। पहली वाचन में, दूसरी अमरावती में और तीसरी रैली अकोला में हुई। इन तीनों ही जगहों पर बटेंगे तो कटेंगे का जिक्र करते हुए योगी हिंदू समुदायों को सियासी संदेश देते नजर आए। शिवाजी से प्रेरणा लेने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि इतिहास में हम जब भी बटे कटे थे, इसलिए अब हमें एकजुट होना होगा। साथ ही ये भी कहा कि भारत की चिंता की बजाय कुछ लोग पाकिस्तान और फिलिस्तीन के लिए घड़ियाली आंसू भी बहाते हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पहली रैली के जरिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का सियासी एजेंडा सेट करने में जुट गए हैं। महाराष्ट्र की सियासी पिच पर उतरते ही सीएम योगी ने धमाल मचा दिया। एक चुनावी जनसभा में बड़ा बयान देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन्हें बजरंग बली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद हो वो वहां जाएं। सुनिए, याद करिए, जब बजरंग बली रहे होंगे त्रेता युग में, तब तो इस्लाम नाम की कोई वस्तु इस धरती पे नहीं थी। और आज अगर बजरंग बली की हनुमान चालीसा का पाठ हम कर रहे हैं, रामनवमी की कोई शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उसको प्रतिबंधित किया जाता है, उसको रोका जाता है, किन कारणों से? और जिन्हें बजरंग बली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वहां जाए। भारत के अंदर कौन ऐसा भारतीय होगा जो राम को न मानता हो, जो बजरंग बली को न मानता हो? वहीं योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र की तेओसा विधानसभा सीट पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए सवाल किया कि भारत के अंदर कौन सा ऐसा भारतीय होगा जो राम को ना मानता हो, जो बजरंग बली को ना मानता हो। सुनिए, देखिए रिपोर्ट। उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूँ, बटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। एकजुट होकर के यहां पे महायुति गठबंधन को, जो मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर कार्य कर रहा है एनडीए के रूप में। बता दें कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा हरियाणा चुनाव के दौरान चर्चा के केंद्र में आया था और अब ये राजनीतिक प्रयोग महाराष्ट्र में भी शुरू हो गया है। दरअसल पिछले दिन मुंबई और ठाणे में सीएम योगी की फोटो के साथ बटेंगे तो कटेंगे के संदेश वाले होर्डिंग्स लगाए गए थे। अब महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में उतरते ही सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया है। जी हां, योगी आदित्यनाथ की करीब 15 सभाएं महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में होनी है, जिसकी शुरुआत बुधवार से हो गई है। जाहिर है, योगी आदित्यनाथ को सिर्फ उत्तर भारतीय वोटों के लिए नहीं बल्कि एक हिंदू आइकन के रूप में महाराष्ट्र में उतारा गया है। इसलिए अपनी पहली रैली से ही हिंदुत्व के एजेंडे को सेट करने में जुट गए हैं, ताकि महाराष्ट्र में मराठा और ओबीसी आधारित वोटिंग को हिंदुत्व के नाम पर एकजुट करेंगे। ऐसा करके योगी जाति आधारित मतदान पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बीजेपी को अपने फायदे की उम्मीद तो दिख ही रही है, इसलिए बीजेपी के तमाम नेता बटेंगे तो कटेंगे के नारे को और अधिक बुलंद कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। साथ ही आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपका क्या कहना है इस विषय में। नमस्कार।